साल था 1582। फ्रांस के राजा हेनरी द फोर्थ 4 अक्टूबर की रात को सोने के लिए जाते हैं। अच्छी नींद लेने के बाद वो अगली सुबह जब उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आज तारीख 5 या 6 अक्टूबर नहीं बल्कि 15 अक्टूबर है। सिर्फ राजा हेनरी नहीं बल्कि 4 अक्टूबर 1582 के दिन सोने वाला फ्रांस का हर शख्स असल में 15 अक्टूबर को ही उठा। सुनने में आपको अजीब लग सकता है दोस्तों, लेकिन इस साल सच में ऐसा हुआ था। एक ऐसी अजीब घटना जब कैलेंडर से 4 या 5 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन गायब हो गए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 अक्टूबर को गुरुवार यानी थर्सडे था और 10 दिन बाद जब 15 अक्टूबर आया तब शुक्रवार यानी फ्राइडे था। अब ध्यान से अगर ना देखा जाए तो नहीं पता चलेगा कि कैलेंडर से 10 दिन मिस हो गए हैं। लेकिन ये किया क्यों गया, कहां गए ये 10 दिन, और क्या अभी भी हो सकता है कि हमारे कैलेंडर से 10 या 15 दिन ऐसे ही गायब हो जाएं? आज मैं आपको इतिहास के उन 10 गायब दिनों की कहानी सुनाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों ये घटना थी 1582 की, लेकिन 10 दिन गायब क्यों किए गए इसे समझने के लिए जाना होगा साल 46 ईसा पूर्व के रोमन साम्राज्य में। ये वो साल था जब जूलियस सीजर रोम का राजा बना। जूलियस सीजर रोम साम्राज्य के सबसे महान राजाओं में से एक थे। जब वो राजा बने तो उन्हें कई चीजें सुधारनी पड़ी। इन्हीं चीजों में से एक चीज थी रोमन कैलेंडर, जो उस वक्त बहुत ज्यादा मिसमैनेज हो गया था। देखिए, पुराना रोमन कैलेंडर 355 दिन का होता था, वहीं पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है 365 दिन तक। इस वजह से हर 2 साल में रोमन कैलेंडर में 22 या फिर 23 दिन अलग से जोड़े जाते थे। इन्हें इंटरकैलरी ईयर्स कहा जाता था। ये किया जाता था ताकि कैलेंडर सीजन्स के साथ सही से बैठ सके। मतलब जिस महीने में गर्मियों का महीना आता है या गर्मियों का सीजन आता है उसी महीने में गर्मियाँ आएँ, इसलिए ये काम किया जाता था। लेकिन पहली शताब्दी ईसा पूर्व में पूरा रोम युद्ध और विद्रोहों के बीच फंस गया। इस दौरान ये जो 22 दिन जोड़ने का काम होता था वो सही से हो ही नहीं पाया। इस वजह से रोमन कैलेंडर बुरी तरह से बिगड़ गया। यानी कि जूलियस सीजर को अब जंग भी लड़नी थी और अपने कैलेंडर भी ठीक कराने थे। इसके लिए सीजर ने रोम के सबसे बेहतरीन एस्ट्रोनॉमर्स को काम पर लगाया। इन एस्ट्रोनॉमर्स ने कड़ी मेहनत करके एक नया कैलेंडर बनाया, क्योंकि पुराने रोमन कैलेंडर को ठीक करना बहुत मुश्किल टास्क हो गया था। ये नया कैलेंडर इस लॉजिक के साथ बनाया गया था कि एक सोलर ईयर 365.25 दिन लंबा होता है। नए कैलेंडर में 355 की बजाय 365 दिन होंगे और हर 4 साल में फरवरी के महीने में एक दिन और ऐड करेंगे। इससे होगा ये कि 0.25 का जो अंतर है वो भी पूरा हो जाएगा। इस तरह से एक सिंपल और ज़्यादा इम्पैक्टफुल कैलेंडर बन सकेगा। अब ये जो 4 साल में एक दिन ऐड करने की बात है, इसे ही हम लीप ईयर कहते हैं, और आप जानते हैं कि अभी तक फरवरी के महीने में सिस्टम फॉलो किया जाता है। इस कैलेंडर को नया नाम मिला, नाम मिला जूलियन कैलेंडर। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, ये सब इतना आसान भी नहीं था। जूलियस सीजर को इस कैलेंडर को सही टाइम पर शुरू भी करना था, इसीलिए 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर को कैलेंडर में 2 महीने एक्स्ट्रा जोड़ने पड़े। यही वजह है कि 46 बीसी में ना तो 365 दिन थे और ना ही 355, बल्कि ये साल का या दुनिया का सबसे लंबा साल था। इस साल में टोटल 445 दिन थे। इस साल कई कन्फ्यूजन हुए थे, कई रीजनल कैलेंडर्स को जूलियन कैलेंडर में मिलाने की कोशिश की गई, इसीलिए इस साल को एनस कन्फ्यूजनस यानी भ्रम का साल कहा गया। इस तरह से जूलियन कैलेंडर ने युद्धों से उपजी रोमन कैलेंडर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। लेकिन सवाल है कि जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो फिर 1582 में 10 दिनों को कम क्यों किया गया। इसके लिए हमें देखनी होगी वो प्रॉब्लम जो कि जूलियस सीजर और उनके कैलेंडर बनाने वालों को दिखी ही नहीं थी, और ये प्रॉब्लम थी मैथ्स की। असल में जूलियन कैलेंडर में एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि इस कैलेंडर में इस बात पर तो काम किया गया कि साल 365.25 दिन का होता है, लेकिन असलियत में साल 365.2422 दिन लंबा होता है। दशमलव के बाद लास्ट के जो 2 नंबर हैं उनको तब इग्नोर कर दिया गया था, और इसी ने आगे चलकर एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी की। इस एक मिसकैलकुलेशन से हर 100 साल में जूलियन कैलेंडर बेमेल हो जाता था। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए कि आप ऑफिस या फिर स्कूल जाते हैं और हर दिन आप बस 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लेट होते हैं, यानी
आज अगर आप 10:10 पर ऑफिस पहुंचे तो कल आप 10:20 में ऑफिस जाएंगे, यानी कि सिर्फ 10 सेकेंड डेली आप लेट हो रहे हैं। तो 6 दिन बाद आप 60 सेकेंड यानी 1 मिनट लेट होने लगेंगे, और 60 दिन बाद ये लेट का जो दायरा है ये 10 मिनट का हो जाएगा। अब ये तो है सिर्फ 10 सेकेंड का एग्जाम्पल, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही हुआ था जूलियन कैलेंडर के केस में, जो कि उस वक्त तो समझ नहीं आया, लेकिन जैसे मैंने आपको अभी ऑफिस लेट जाने वाला या स्कूल लेट जाने वाला एग्जाम्पल दिया, अगर आप उस हिसाब से इसे फिट करेंगे यहाँ पे, तो पता चलेगा कि जूलियन कैलेंडर 1600 सालों तक इस्तेमाल में आ चुका था, और इतने सालों में इस कैलेंडर में करीब 14 दिनों का गैप आ गया था। अब सवाल है कि इसको लेकर फिर इतना बवाल क्यों हुआ? तो देखिए, होने ये लगा था कि ईसाई धर्म के त्यौहार में, खास तौर पर ईस्टर का जो त्यौहार पड़ता था, उसकी तारीख तय करने में दिक्कतें आने लगी थी। जैसे कि बसंत का जो आखिरी महीना होता है उसमें जो पूर्णिमा पड़ती है, उसके बाद जो पहला संडे पड़ता है, उस दिन ईसाइयों में ईस्टर मनाया जाता है। ये तारीख 21 मार्च के आसपास पड़ा करती थी, लेकिन 16वीं सदी आते आते ये कैलेंडर अपनी एक्चुअल तारीख से करीब 14 दिन दूर हो गया था। ये चर्च के लिए एक बड़ी बात थी, क्योंकि इसका मतलब था कि अब उनका ईस्टर रियल दुनिया के हिसाब से नहीं पड़ रहा था। 16वीं सदी के आखिर तक आते आते ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई, लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि 5वीं से 10वीं सदी के बीच में, यानी इससे भी करीब 500 साल पहले, बीच में नोटिस किया गया था कि सही टाइम पर ईस्टर नहीं मनाया जा रहा है। ऐसे में जब पोप ग्रेगरी XIII ने सत्ता संभाली, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोची। फिर जूलियस सीजर की तरह ग्रेगरी XIII ने भी एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस को बुलाया। एक बार फिर जुगत भिड़ाई गई, और एक बार फिर दिए गए कुछ नए सॉल्यूशंस। एक नया कैलेंडर बनाया गया, इसमें कहा गया कि कोई भी शताब्दी का साल तब तक लीप ईयर नहीं होगा जब तक वो 4 से डिवाइड ना होता हो, जैसे कि 2005 या फिर 2006 एक लीप ईयर नहीं हो सकता। इस तरह से हर शताब्दी में एक दिन के एक्स्ट्रा होने को रोक लिया गया, लेकिन अभी भी 14 दिनों वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना बाकी था, इसलिए ग्रेगरी ने कैलेंडर को रीसेट किया। उन्होंने इसे रीसेट किया उस टाइम से जब 325 एडी में काउंसिल ऑफ निकिया बुलाई गई थी। ये वो टाइम था जब ईस्टर के त्यौहार की डेट तय करने का मेथड बनाया गया था। ग्रेगरी ने ना तो इसके लिए क्राइस्ट के जन्म की तारीख को अपमानक बनाया, ना ही जूलियन कैलेंडर की स्टार्टिंग डेट को कोई स्टैंडर्ड बनाया। इसलिए सारी गणित बिठाने के बाद भी 10 दिनों की प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। इन 10 दिनों की कमी को पूरा करने के लिए एक ही उपाय था। साल 1582 में ग्रेगरी ने इंटर ग्रेविसिमस नाम की एक डिक्री जारी की। इसमें कहा गया कि अक्टूबर महीने में इन 10 दिनों की मिसकैलकुलेशन को ठीक किया जाएगा, और इसके लिए 10 दिन डिलीट कर दिए जाएंगे, यानी कि थर्सडे 4 तारीख के बाद फ्राइडे 15 तारीख होगी। फिर वही हुआ जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। लेकिन इस चेंज को दोस्तों हर देश ने सही टाइम पर या उसी टाइम पर एक्सेप्ट नहीं किया। असल में ये वो दौर था जब ईसाई धर्म प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में बट चुका था। इसलिए स्पेन, इटली, पुर्तगाल और पोलिश लिथुआनियाई देश जो थे, जो कि पोप के चेंजेस को तुरंत उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर फ्रांस में इस कैलेंडर को दिसंबर में अपनाया गया। इसके बाद 1584 के आखिर तक पूरा कैथोलिक यूरोप ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करने लगा, लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले राज्यों ने इसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया, उल्टे इस चेंज का विरोध किया। एग्जाम्पल के लिए यूनाइटेड किंगडम ने 1752 में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया। उस वक्त तक इंग्लैंड जूलियन कैलेंडर के हिसाब से एक और दिन आगे खिसक गया था, इसलिए इंग्लैंड को 11 दिनों को हटाना पड़ा, और वहां पर यह काम हुआ था 1752 में सितंबर के महीने में। 2 सितंबर के बाद यहां सीधे 14 सितंबर आया। इस तरह 18वीं सदी में लगभग सभी यूरोपियन देशों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। हालांकि कुछ देश और भी लेट थे। रूस में ग्रेगोरियन कैलेंडर को 1918 तक नहीं अपनाया गया, इसलिए जो भ्रम का साल 46 BC में रोम में हुआ था, वो भ्रम का साल रूस की 1917 की अक्टूबर क्रांति के आसपास पैदा हुआ। अगर देखा जाए तो जूलियन कैलेंडर के हिसाब से रशियन रेवोल्यूशन जो था वो 25 अक्टूबर को था, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से क्रांति 7 नवंबर को हुई। आज दोस्तों ग्रेगोरियन कैलेंडर दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाने वाला कैलेंडर है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपने अपने धर्म के लिए अपने धर्म से जुड़ा कैलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे शक सम्मत हिंदुओं के लिए, इस्लाम के लिए लोगों के लिए हिजरी कैलेंडर, जापानी शासक कैलेंडर, और यहाँ तक कि पुराना जूलियन कैलेंडर जो अभी भी कई रूढ़िवादी ईसाई इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये तो कहानी हो गई कि कैसे अक्टूबर में 10 दिन अचानक गायब किए गए। हालांकि अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा फिर कभी हो सकता है? तो देखिए, देखा जाए तो अब ये काम होना ना के बराबर है।
क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर ने दिनों की इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। हालांकि अभी भी धरती के चक्कर लगाने में 36 सेकंड का सालाना कैलकुलेशन एरर है। इस तरह करीब 3300 साल लगेंगे सिर्फ एक दिन का अंतर पैदा करने में। इसलिए कोई ऐसी घटना जब 10 दिन हटाने पड़े उसके लिए कितना इंतजार करना होगा ये आप कॉमेंट में बता सकते हैं, और तब तक के लिए फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये था इतिहास उन 10 दिनों का जो अचानक गायब हो गया। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।